हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, फाइनली महीनों बाद पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है, जो 21.8 का न्यू लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहन इस वीडियो को देख रही हैं, वो 21.8 का जो न्यू अपडेट आया है, इसको आप लोग अपडेट जरूर कर लें। इस अपडेट में आप सभी के लिए 6 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वो 6 महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी सेविका बहनों को जो एक कॉमन समस्या आ रही थी पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था ये जो समस्या है आप लोगों का, ये पोषण ट्रैकर ऐप में न्यू अपडेट आने के बाद ही ठीक हो पाएगी। तो फाइनली यहाँ पे एक न्यू अपडेट आ चुका है और आप लोगों की यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाली जो समस्या है वो एकदम 100% अब ठीक हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में पूरा पूरा आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्या अपडेट आया है और कैसे आप लोगों को काम करना है। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहन इस वीडियो को देख रही हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए हम लोग यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप से बैक हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लेके चलते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग सिंपली लिखेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नया अपडेट यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि पोषण ट्रैकर ऐप का 21.8 का अपडेट है। तो यहाँ पर आप लोग अपडेट पर क्लिक करके सभी लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद यहाँ पे हम लोग एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक का अपडेट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बारी बारी से हम सभी अपडेटों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे पहला जो अपडेट दिया गया है, क्लाउड आइकॉन इन डेली ट्रैकिंग पेज, यानी कि जो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप में डेली ट्रैकिंग का पेज है, वहाँ भी अब आप लोगों को क्लाउड आइकन का जो ऑप्शन है वो दिखाया जाएगा। क्लाउड आइकन क्या है, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि क्लाउड आइकन वो होता है जब आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, उस कंडीशन में आप लोग क्लाउड आइकन का यूज़ करके पोषण ट्रैकर ऐप पे काम कर सकते हैं। वही ऑप्शन जो है आप लोगों को अब डेली ट्रैकिंग में भी ऐड कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे हम बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कि जो क्लाउड वाला आइकन यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा था, वही आइकन अब आप लोगों को डेली ट्रैकिंग के पेज में भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख पाएंगे कि आप लोगों को क्लाउड का ऑप्शन जो है यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। अब आपको दिखा देते हैं क्लाउड आइकन काम कैसे करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना इंटरनेट ऑफ़ कर दिया है, जैसे ही आप लोग अपना इंटरनेट को ऑफ़ करेंगे, नीचे यहाँ पे ब्लैक पट्टी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन मोड कैन स्टोर लास्ट 3 डेज डाटा ओनली, यानी कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में ऑफलाइन मोड यानी बिना इंटरनेट के काम जो करेंगे वो 3 दिन के लिए आपका डाटा स्टोर रहेगा, और 3 दिन के बाद जब आप लोगों का नेट ऑन हो जाएगा उस समय जो है आप लोगों का ये डाटा सर्वर पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप लोग ऑफलाइन मोड में कोई भी डेटा को आप लोग सबमिट करेंगे, वो डेटा आपका यहाँ पे क्लाउड वाले ऑप्शन में चला जाएगा। जैसे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो क्लाउड का आइकन है, यहाँ पे आप लोगों का 1 एक्टिविटी जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपना नेट को ऑन करेंगे उसी टाइम जो है आप लोगों का डाटा जो है सर्वर पे अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ से अब नेट को ऑन कर लेते हैं। तो हम जैसे ही नेट को ऑन करेंगे तो जो हमारा एक्टिविटी हुआ है या जो भी हमारा पोषण ट्रैकर ऐप में ऑफ इन मोड में काम हुआ है, वो यहाँ पे आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसको सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी जो है वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। देख सकते हैं नो पेंडिंग रिकॉर्ड फाउंड, यानी कहने का मतलब है कि जो क्लाउड आइकन दिया गया है वो आप लोगों को ऑफलाइन मोड में काम करने के लिए दिया गया होता है, जो कि आप लोग जो भी काम करेंगे वो 3 दिन के लिए स्टोर रहेगा, उसके बाद आपका जो डेटा है वो सर्वर पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला अपडेट हो गया। अब चलिए हम दूसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं।
जैसे कि दूसरा जो अपडेट दिया गया है, द हाइट वैलिडेशन पैरामीटर इज रीइम्पोज्ड, यानी कि जो आप लोगों के लिए हाइट के लिए जो नियम लगाया गया था पोषण ट्रैकर ऐप में, जो भी बच्चों का आप लोग हाइट वगैरह मापते थे, तो उसको फिर से यहाँ पे रीइम्पोज्ड कर दिया गया है, यानी कि वही नियम आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे किसी एक कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो ऑप्शन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यही हाइट है, जो भी वेट है बच्चों का, वही आप लोगों को यहाँ पे डालना है। गलत आप लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 92 आपने इस महीने जो है हाइट डाला हुआ है, तो 92 से एबव ही आप लोगों को डालना होगा। मान लीजिए गलती से आपने 91 कर दिया, तो आप लोगों का यहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, तो सब चीज़ आप लोगों को सही सही यहाँ पे फिल करना होगा। तो ये आपका दूसरा अपडेट हो गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे तीसरे अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि तीसरा अपडेट जो दिया गया है, व्हेन क्रिएटिंग एन आभा आईडी एंड सेलेक्टिंग द आधार ओटीपी ऑप्शन, द आधार नंबर शुड बी मास्क्ड, यानी कि जो आप लोग लाभार्थियों का आभा आईडी क्रिएट कर देंगे, उसके लिए जो आप लोगों का आधार होगा वो उसको छिपा दिया जाएगा। जैसे कि हम एक कैटेगरी को ओपन करके दिखाते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट रीट्राइव आभा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके देख पाएंगे क्रिएट रीट्राइव आभा और आभा ऑलरेडी क्रिएटेड। जैसे कि हम लोग क्रिएट रीट्राइव आभा पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दो तरीक़ों से जो है वो आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आधार ओटीपी के माध्यम से और आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आधार ओटीपी के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आभा क्रिएट करेंगे, तो जो आप लोगों का यहाँ पे आधार नंबर दिखाया जा रहा था, शो हो रहा था, उस आधार को यहाँ पे अब हाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको लास्ट का चार डिजिट ही दिखाया जाएगा, बाकी आधार का जो आगे का नंबर है उसको यहाँ पे छिपा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस लाभार्थी का जो है आभा आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, अभी हमने यहाँ पे आभा आईडी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आभा आईडी क्रिएट नहीं हो पाया कुछ कारणवश। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का यहाँ पे आभा आईडी क्रिएट हो जाएगा। ये आपका तीसरा अपडेट है। ठीक है, चलिए हम आपको चौथे अपडेट के बारे में बताते हैं। चौथा अपडेट जो है, अप्लीकेशन क्रैश ऑन गैरो एंड खस्सी लैंग्वेज फिक्स्ड, यानी कि जो आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में लैंग्वेज सेलेक्ट करने की, तो देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक ही हमारा यहाँ पे आभा आईडी डाउन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। वहाँ पे थोड़ा सर्वर इशू के कारण जो है आभा आईडी क्रिएट नहीं हो पाया था, यहाँ पे हमारा आभा आईडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम डाउन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हम आपको चौथा अपडेट बता रहे थे, जो गैरो एंड खस्सी लैंग्वेज का जो ऑप्शन दिया गया है जो क्रैश हो जा रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे। गैरो एंड खस्सी का जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करने में जो पोषण ट्रैकर ऐप में क्रैश हो रहा था, पोषण ट्रैकर ऐप बैक हो जा रहा था, तो वो समस्या अब आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगी। आप लोग इस लैंग्वेज पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे पांचवे अपडेट की ओर। जो पांचवा अपडेट है यहाँ पे, FRS फीचर इज नॉट अवेलेबल टू मोर स्टेट लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड लक्षद्वीप। तो यहाँ पे FRS का जो फीचर है वो इन 7 राज्यों में अभी लागू नहीं किया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। FRS मतलब हो सकता है कि ये फेस रिकॉग्नाइजेशन का जो ऑप्शन है उसी के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में अभी क्लियर कोई भी यहाँ पे इसकी जानकारी नहीं दी गई है। FRS सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में और भी कोई जानकारी होती है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपका पांचवा अपडेट हो गया। और छठा अपडेट जो है यहाँ पे माइनर बग फिक्सेस। ठीक है, माइनर बग फिक्सेस यानी कि जो आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करने में जो समस्या आ रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में जो सेटिंग वगैरह थी उसके बारे में बताया था, किस प्रकार से आप लोगों को सेटिंग करने के बाद जो है लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन ओपन हो रहा था, तो उस समस्या से अब यहाँ पे छुटकारा मिल चुका है। अब आप लोग इस अपडेट के करने के बाद किसी भी कैटेगरी में जाके लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो जो ये ऑप्शन आप लोगों को वाइट हो जा रहा था, अब इस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी लाभार्थियों को न्यू रजिस्ट्रेशन करने में। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं फिशरी वाली कैटेगरी में, यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर की कैटेगरी को ओपन करते हैं, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं इजीली जो है अब आप लोगों का यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन जो है वो ओपन हो जा रहा है। हमने आपको बताया भी था कि न्यू अपडेट के बाद ही जो है आप लोगों की ये प्रॉब्लम सही हो पाएगी, यहाँ पर फाइनली ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। ठीक है,
तो आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी भवनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस डीके टेक्निकल ज्ञान चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।